हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से और साथ ही साथ यह राजनीति विज्ञान में भी काफी महत्वपूर्ण है, उससे काफी महत्वपूर्ण विषय समाजवादी पार्टी, इसका संपूर्ण इतिहास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी का उद्भव हुआ, उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ और उस विकास की कड़ी में वो आगे बढ़ता हुआ नई ऊंचाइयों को छुआ और आगे चल करके उसकी कई शाखाएं बटी और इन्हीं शाखाओं में से आज भी बहुत सारी समाजवादी पार्टियां अस्तित्व में हैं, तो हम इनका विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे इस विषय को, समाजवादी पार्टी जिसे हम सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी भी नाम से जान सकते हैं। इस पार्टी का जो उद्भव है इसको संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इसका उद्भव मूल रूप से कांग्रेस के अंतर्गत ही हुआ। दरअसल जब कांग्रेस आंदोलनों का दौर चल रहा था कांग्रेस में, उसी दौर में कुछ युवा टोली के सदस्य थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अच्युत पटवर्धन, इस तरह के कुछ नेतागण थे जो वामपंथी विचारधारा अर्थात साम्यवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उन्होंने अपने स्वयं को, जैसे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को समाजवादी तक घोषित कर दिया था, इस तरह से समाजवादी की जो शाखाएं थी वह कांग्रेस के अंदर ही पनप रही थी। आगे चल करके जब कांग्रेस को लगा कि समाजवादियों से उनका मतभेद हो रहा है, तो उन्होंने 1948 ईस्वी में एक प्रस्ताव को पारित कर कांग्रेस की दोहरी सदस्यता से को समाप्त कर दिया। अर्थात अब कांग्रेस में केवल कांग्रेस पार्टी के लोग ही रहेंगे, इसमें अन्य पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से पृथक एक अलग पार्टी बनानी पड़ी 1948 में, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से जानी गई। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्षता जो है आचार्य नरेंद्र देव ने किया 1948 में। इसके बाद आगे चल करके जब समाजवादियों ने कांग्रेस की और साम्यवादी की आलोचना करनी शुरू की, समाजवादी और साम्यवादियों में मैंने आपको अंतर बता दिया है, समाजवादी सरकार में भरोसा रखते हुए एक ऐसी सरकार का निर्माण करना चाहते हैं जो समानता और सर्वहारा वर्ग की कामना करते हैं। दूसरी ओर साम्यवादी से तात्पर्य ये लोग सरकार की जैसी संस्था में विश्वास नहीं करते और हिंसक माध्यम से समाज में समानता लाने की बात करते हैं, और इस कारण से साम्यवादियों का समाजवादियों से थोड़ा मतभेद रहता है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य लगभग एक ही है। और साथ ही साथ ये कांग्रेस की भी आलोचना करने लगते हैं क्योंकि कांग्रेस को वे पूंजीपति और जमींदार वर्गों का नेतृत्व करता मानते थे जिससे श्रमिकों और गरीब वर्गों का शोषण होता। इन आलोचनाओं के कारण आगे चल करके हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन होता है और 1955 ईस्वी में कांग्रेस के अवधि जो चेन्नई में है उस 70वें अधिवेशन में, उस अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य को घोषित किया जाता है और उसकी स्थापना के लिए कांग्रेस एकबद्ध या कटिबद्ध हो जाती है। इसके बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होती है तो समाजवादियों को अपने आप को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर पाना काफी कठिन कार्य लगने लगा। तो इसके बाद जो नेतृत्व था समाजवादियों का वो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ये समाजवादी अपने आप को संगठित करने लगे और उनके नेतृत्व में बहुत आंदोलन, बहुत सारे चुनाव में भी उन्होंने भाग लिया, लेकिन उनको कुछ विशेष सफलता तो नहीं मिली। आगे चल करके समाजवादी दल अनेक छोटे छोटे दलों में विभक्त हो गए, उन सबका नेतृत्व अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया। और आगे चल करके हम देखते हैं कि समाजवादियों की जो शाखाएं थी, जो वर्तमान में भी हम अभी बहुत सारी समाजवादी पार्टियों को देखते हैं जो वर्तमान में एग्जिस्ट करती हैं, उनमें वो विखंडित हो गए। तो आइए इस विषय को हम और विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले आप हमारा हेडलाइंस या हमारा टॉपिक देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिसे हम कह सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले उत्पत्ति में आपको पता है कि इसकी उत्पत्ति जो है कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही हुई थी। ये हुई थी आपको 1933-34 के आसपास। ठीक है,
इसका उत्पत्ति वर्ष 1934, जैसा कि हमने बताया 1933-34 में इसका उत्पत्ति वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। आगे चल करके ये एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में कब अस्तित्व में आए, 1948 में। जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी की दोहरी सदस्यता समाप्त कर देने के कारण कांग्रेस पार्टी से पृथक होकर के समाजवादी पार्टी ने अपना एक अलग पार्टी गठित किया, क्योंकि अब कांग्रेस में दोहरी सदस्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। और इसके अध्यक्ष कौन बने, आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। आचार्य नरेंद्र देव के विषय में बताना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलनों के क्रम में ये कई बार जेल गए और साथ ही बौद्ध धर्म में इनकी विशेष रुचि भी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके उद्देश्य की बात करें तो ये लोगों का मुख्य उद्देश्य जो था वो था लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, ये इनका प्रधान लक्ष्य था समाजवादियों का। और इनकी आलोचना की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी दोनों की आलोचना की। क्यों की आलोचना, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पूंजीपति एवं जमींदारों की सहयोगी थी, और जबकि साम्यवादियों द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाना, ये दो कारण थे जिसकी वजह से समाजवादियों ने कांग्रेस और साम्यवादियों की आलोचना की। आगे चलकर हम देखते हैं इनकी दुविधा की स्थिति की उत्पन्न हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कांग्रेस के 70वें अधिवेशन में, जो अवधि चेन्नई में हुआ था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, यू एन ढेबर, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अध्यक्षता में कांग्रेस ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया, और यहां से समाजवादी पार्टी में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया समाजवादी को अपने आप में समाहित कर लिया, जिसकी वजह से अब समाजवादियों को कांग्रेस से टक्कर लेना आसान काम तो नहीं था, और अब समाजवादी पार्टी के समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण इसका अग्रेतर नेतृत्व जो है वो राम मनोहर लोहिया के हाथों में आ जाता है, और राम मनोहर लोहिया जो थे ये समाजवादी आंदोलनों को नई दिशा और गति देने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें इसके अन्य नेताओं की तो इसमें बहुत सारे नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, जैसे अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, एस एम जोशी, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण नेता समाजवादी नेता हुए जिसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया है। आगे चलकर के इससे कई दलों का बने, अलग अलग पार्टियां बनी। इसमें एक महत्वपूर्ण पार्टी है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के माध्यम से की गई। दूसरी जो पार्टी बनी वह थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इसके अलावा और भी पार्टियां बनी जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है, जिसकी अध्यक्षता एस एम जोशी जैसे नेताओं ने की। आगे चल करके हम देखते हैं इसकी वर्तमान स्थापित दलों, जो उसी दलों से टूट करके बन के आए हैं, उसमें सबसे पहला है समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष है मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। ठीक है, दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है वो है जनता दल यूनाइटेड, जो अब बिहार की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं, वो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जिसके नेतृत्व जो है नीतीश कुमार, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आगे चलकर देखते हैं जनता दल सेक्युलर, जिसकी नेतृत्व जो है एच डी देवगौड़ा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, इनके द्वारा किया गया। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दल है जो कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार समाजवादी आंदोलनों का सूत्रपात कांग्रेस के अंदर ही हुआ, जो कि 1933-34 में कुछ युवा वर्गों के द्वारा समाजवादी स्वरूप को स्वीकार करने, यानी समाज में समानता पर अधिक जोर दिया जाने लगा। आगे चल करके जब कांग्रेस के नए जो उनका एक दोहरी सदस्यता 1948 में समाप्त कर दी जाती है, तो समाजवादियों को एक अलग दल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की जाती है। आगे चल करके हम देखते हैं 1955 में स्थिति जब ये होती है, जब कांग्रेस के 70वें अधिवेशन, जो कि अवधि चेन्नई में संपादित होता है 1955 में, इसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य स्थापित करती है, उसे अपने स्वीकार करती है। उसके बाद समाजवादियों को अपने साथ कांग्रेस के साथ टक्कर लेना आसान नहीं रह गया। इसके बाद जो समाजवादियों का नेतृत्व था वो राम मनोहर लोहिया के हाथों में जाता है, और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ये कई चुनावों में भाग लेते हैं,
लेकिन इन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितनी उनकी लोकप्रियता थी। आगे चल करके समाजवादी दल अन्य कई छिटपुट दलों में बढ़ जाता है और इन छिटपुट दलों से ही वर्तमान की जो समाजवादी दल है, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, राष्ट्रीय जनता दल, है ना, समाजवादी पार्टी, इन सबका अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से हमने आज आ जाना कि कैसे समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति हुई, जिसे हम सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी उत्पत्ति का क्या क्रम रहा और किस प्रकार इसने विकास किया। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं बहुत सारी समाजवादी पार्टी, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की सरकार है। उसी प्रकार से हम HD देवगौड़ा की जो जनता दल सेकुलर पार्टी थी, इसने पहले पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, इनकी भी सरकार रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय तक शासन किया है जिन्होंने, तो इस प्रकार से ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी काफी अच्छा कार्य कर रही है और लोगों का नेतृत्व कर रही है। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि समाजवादी पार्टी से संबंधित कोई भी आपकी समस्या नहीं रही होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।